वेलकम बैक टू देसी स्पार्क। आज के इस वीडियो में हम अपने सेकंड हैंड कार के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक और कार लेकर आए हैं जिसका नाम है निसान माइक्रा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि निसान माइक्रा आपको 2021 में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और अगर आपको लेना चाहिए तो किस कंडीशन में लेना चाहिए और किस बजट में लेना चाहिए। सब कुछ जानने के लिए बने रहे इस वीडियो में अंत तक। तो भाई हम स्टार्ट करते हैं निसान माइक्रा के इंजन से। निसान माइक्रा में आपको डीजल पेट्रोल दोनों इंजन मिलता है। डीजल में आपको इसमें 65 bhp का पावर और 160 Nm का टॉर्क मिलता है, और वहीं पेट्रोल में आपको 75 bhp का पावर और 104 Nm का टॉर्क मिलता है। पेट्रोल में आपको ये 18 के आसपास का माइलेज देती है। पेट्रोल में आपको इसमें 3 सिलेंडर का इंजन मिलता है। वहीं अगर डीजल में बात करें तो आपको डीजल में ये 23 के आसपास का माइलेज देती है, जो कि काफी अच्छा माइलेज है। फीचर्स के बारे में बात करें तो भाई निसान माइक्रा में हर एक फीचर से भाई लुक वाइज कार काफी अच्छी है। इंटीरियर भी इसका काफी अच्छा है। आपको इसमें पुश बटन स्टार्ट स्टॉप ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि आजकल की गाड़ियों में एक नए फीचर के तौर पर आ रहा है। निसान अपनी गाड़ियों में 2012 में सेम फीचर दे रही थी। सो भाई निसान माइक्रा आपको 1.5 लाख के बजट में इजीली मिल जाएगा 2012 से लेकर 2014 तक का वेरिएंट। 2012 वाला आपको डीजल वाला वेरिएंट मिल जाएगा 1.5 लाख के आसपास, और 2014 का वेरिएंट जो मिलेगा आपको वो पेट्रोल में मिल जाएगा, पेट्रोल प्लस सीएनजी। सीएनजी में भी निसान माइक्रा का काफी अच्छा परफॉर्मेंस है। इसका माइलेज सीएनजी में कहीं ना कहीं 20 से लेकर 22 के आसपास है। इट्स डिपेंड अपॉन योर ड्राइविंग स्किल्स। जैसा आप सब जानते हैं कि निसान माइक्रा डिसकंटिन्यू हो गई है, यही रीजन है कि इसका रीसेल वैल्यू काफी डाउन है। सो आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब ये कार इंडिया में डिसकंटिन्यू हो गई है तो इसके पार्ट्स अवेलेबल हैं, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट कितना आता होगा। तो भाई इसके पार्ट्स इजीली अवेलेबल है, बड़े बड़े सिटी में अगर आप है तो वहाँ तो इजीली अवेलेबल है, और अगर आप छोटे सिटी में है तो आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिलेगा तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर से परचेज कर सकते हैं। इसके पार्ट्स इजीली अवेलेबल है। मेंटेनेंस के बारे में बात करें तो इसका जनरल सर्विस आपको 4000 के आसपास पड़ेगा, जो कि एक नॉर्मल सा है। इसके पार्ट्स थोड़ा बहुत कॉस्टली आते हैं इन कंपेयर टू मारुति एंड ह्युंडई। निसान माइक्रा का लुक काफी अच्छा है भाई, गाड़ी चलने में काफी अच्छी है, बहुत अच्छी है। अगर आपका बजट 1.5 लाख के आसपास तक का है तो आप निसान माइक्रा श्योरली परचेज कर ले। अगर आपको कोई अच्छे कंडीशन में मिल रहा है तो आप परचेज कर ले निसान माइक्रा। पेट्रोल में भी मिल रहा है तो भी ले ले, डीजल में तो और अच्छा है। 22-23 का माइलेज दे रहा है डीजल में। वैसे भाई अगर आप मारुति पे जा रहे हो तो आपको मारुति का डीजल कार कहीं ना कहीं 2.5 लाख के आसपास मिलेगा। ह्युंडई का भी अगर आप डीजल कार लोगे तो 2.5 से 3 लाख के आसपास आपको चढ़ना पड़ेगा। अगर आपको निसान माइक्रा इतनी अच्छी गाड़ी है 1.5 लाख के आसपास मिल जा रही है तो काफी अच्छी है ना ये सेकंड हैंड कार। अगर आप ले रहे हो तो आप मारुति और ह्युंडई पे ना जाओ, क्योंकि इनका रीसेल वैल्यू काफी ज्यादा है। आप कुछ ऐसे कार्स पे आओ जिनका रीसेल वैल्यू बहुत डाउन है, और आपको ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं मार्केट में। आप हमारे और सारे वीडियोस को देख सकते हैं, आपको एक से एक ऑप्शन मिल जाएगा। 1.5 लाख के बजट में आपको अच्छे से अच्छी गाड़ी मिल जाएगी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।